दूसरी मर्तबा सामना करेंगे हनी और अंपायर को पार किया सोनू ने। ये गेंद थोड़ी सी वेरिएशन और बहुत ही देख समझ तेज तर्रार रन भी ले लिया और इसी बीच चोर बदले पहला रन जुड़ा और इसी बीच खाता खोला चौक ने। दोनों ही कसी हुई गेंदबाजी हो रही है यहाँ पे गेंदबाज द्वारा। दोनों शुरू किया अंपायर को पार किया गया शॉट पे गेंद की और सजा नहीं मिली थी, सजा नहीं मिल पाई और कहीं ना कहीं इस गेंद पे 6 रन मिलने चाहिए थे और भैके ने भी साथ दिया वहां पे कई बल्लेबाजी करते अपनी टीम के लिए और तैयार होते गेंदबाज ने दोनों शुरू किया गेंद यहाँ पे गेंद पल्ले का तारी किनारे लेती हुई गेंद जा रही है उधर फर्स्ट विकेट के ऊपर से गेंद शायद सीमा रेखा को पार करके गेंदबाजी पक्ष का सवाल है और बल्लेबाजी अभी तक शांत बॉल ये गेंद बहुत ही गंदी है और मुझे लगता है कि फिर से उसी दिशा में बॉल गई। अभी अभी लगता है क्लायो का इस्तेमाल किया मैं फिर से आदित्य का सामना करेंगे यानी और दीदी ने बॉल को पार किया बड़ी अच्छी गेंद और फिलर लेंथ की बॉल थी और थोड़ा सा अपना कदम आगे बढ़ाया और इस बार लगता है हनी ने हमारी आवाज को सुन लिया कि ऐसी बात नहीं है चौक के लिए एक बार फिर से चले आ देते हैं अंपायर को पार किया ये गेंद इसी तरह की गेंद थी और मुझे लगता है कि हनी को इस तरह की गेंदबाजी करना बिल्कुल ही जोखिम में अपने आप को डालने की तरह बोलेगा प्रदीप जी उनका नाम है उसके अनुरूप खेलते हुए एक बार फिर से अंपायर को पार किया बॉल और बॉल जा रही है एक बार फिर से फर्स्ट या सेकंड स्लिप के ऊपर से बाउंड्री की तरफ और 4 रनों के लिए जरूरत है और अब देखते हैं किस तरह की गेंदबाजी करते हैं ये तो आने वाला समय बताएगा और जरूरत है इस समय विकेट की और गेंदबाजी तो शुरू किया पैर को पार किया यहाँ पे गेंद को खेला गेंदबाजी खिलाड़ी का और हम जिस विकेट की यहाँ से बात करें तो यही विकेट मिलता हुआ यहाँ पे हनी का बहुत ही बड़ा विकेट कहूंगा मैं पीछे अभी बल्लेबाजी के लिए लेकिन अब काम को अंजाम कौन देता है वो तो आने वाले समय बताएगा। बहुत ही जबरदस्त कैच पीछे आने के बाद विकेट मिलते रहेगी अगर थोड़े से अंदर रह जाती तो उनका आठ कंप्लेट थी और वहां पर कोई जवाब भी नहीं था क्योंकि टिप्पा खाने के बाद एकदम सुधरा हो गई अगर बिल्कुल सीधी होती और एक बार फिर उनके पास की बात करी और अपील हुई रन आउट की अपील हो रही है नकारात्मक रनिंग का जी ने की और ये लगता है ये सफर का सर बहुत ही बढ़िया निर्णय लिया इस बार कप्तान ने और इस बार फिर से चले अंपायर को पार किया बॉल ये गलती गेंद थी और सही सजा मिली और बॉल को ठीक ठाक भेज दिया ऊपर टेंट की तरफ टैंक की तरफ और जहां तक रनिंग की बात में रिफ्लेक्शन होता हुआ अभी तक वहां पर टेली की तरफ से गेंदबाजी पहले शुरू किया पार्क पार्क विकेट पहुंची गेंद वहां पे शॉट पिच गेंद और गेंद पहले कवर के नाम लेती हुई गेंद जा रही है उधर पॉइंट और कवर के बीच से गेंद सीमा रेखा को पार कर गई 4 रन के लिए तो इस चौके के साथ इस स्कोर जा पहुंचा कुछ इस तरह का देखने को नहीं मिला। और मैं ये बता दूं अगर ये स्कोर कम रहता है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बहुत बहुत कम नहीं रहना चाहिए फिर ये मैच पहले ही जब केंद्र की तरफ हो जाएगा काफी लंबे स्टार के साथ और सामने बाबू भाई और एक मतलब फिर से दौड़ना शुरू किया राइट आर्म में गेंद खेला गेंद जा रही है पेड़ों के पीछे बीच गेंद शायद सीमा रेखा को पार कर जाएगी 6 रन के लिए तो जिस तरह के आकर्षक शॉट के लिए जाने जाते हैं लंबे शॉट के बड़ी बड़ी बल्लेबाजी देखनी देखना चाहेंगे और इसी बीच अंपायर को पार किया तरुण ने थोड़ी सी गेंद को मिश्रण करते हुए और बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी गंगा तरुण की बहुत खूबसूरत गेंदबाजी और यहाँ पूरी तरह से छुपाया वहां पे बल्लेबाज बाबू भाई को और एक मतलब फिर से तरुण चले काफी लंबी सारी साथ ही गेंद वहां पे गेंद को खेला गेंद जा रही है उधर बहुत ही जबरदस्त शॉट और वहां पर गेंद से मारे कैसे बाहर निश्चित 6 रन क्रीज पे डटे हुए और इसी बीच तरुण ने अपना छोर बदला बिल्कुल सही निर्णय और थोड़ी सी चले पेस की और जैसे हमने बोला था कि बाबू भाई के लंबे लंबे छक्के नजर आएंगे बॉल मिलेगी नंखरी की तरफ एक और छक्का राइट हैंड रोहित विकेट आने का निर्णय लिया गया बहुत अच्छी गेंद और पहले कॉपर की नाम लेती हुई है मैं नहीं समझता कि इस कैच को छोड़ेंगे और दोनों ही खिलाड़ी के बीच में वहां पर भिड़ंत हो चुकी थी एक विकेट लास्ट में गई है तो एक नया बैट्समैन सेट होने में समय लेता है और मगर मुझे लगता है बहुत अरी विकेट और एक विकेट भी ले लिया क्या बढ़िया सफल होगा रहा स्लॉगिंग स्लॉगिंग टाइम में स्लॉग आदित्य एक बार फिर से गेंद आज दौड़ शुरू किया वहां पर गेंद खेला गेंद जा रही है उधर पेड़ों के बीच बीच गेंद शायद सीमा रेखा को पार कर जाएगी 6 रन के लिए तो बाबू भाई की जबरदस्त बल्लेबाजी होती है इस समय अगर हम बाबू भाई की 39 रन बना के खेल रहे हैं तो कहीं ना कहीं 11 रन पीछे अपने अच्छे तक से तो एक बड़े मैच में बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं फिर से इस गेंद को खेला गेंद जा रही है उधर
और फिर टकराने के बाद और बाबू भाई ने वहां पे सोचा कि ये गेंद सीमा रेखा को पार कर गेंद कर जाएगी छह रन के लिए, इस पेड़ का इस टीम को। और इसी बीच एक और शॉट निकलता हुआ स्कोर लग के ऊपर से सुनील का, 99 हो चुका है स्कोर। अब वो सौ रन की जो आदित्य एक मतलब फिर से दौड़ना शुरू किया गया, वहां पे गेंद को खेला गया जा रही है सौ रन के लिए। बहुत ही जबरदस्त शॉट, बहुत ही क्लासिक शॉट खेला गया और इस बार तो ये बॉल निश्चित रूप से गवाए दोनों खिलाड़ी जो है झटपट जो है ग्राउंड में आगे। और इसी बीच आदित्य पहली बार का सामना करेंगे हैप्पी का, और बहुत बढ़िया टैकल पे आकर अपना आप को पोजीशन किया और स्कोर लग की तरफ एक रन से बोर्ड जो मूव ऑन करता रहना चाहिए। छह रन पारी का पहले ओवर प्रगति पे, इसमें जो आप गेंद को खेला गया जा रही है। मैं और एक खिलाड़ी गेंद के नीचे आ रहा हूँ, मुझे तो ऐसा लगा मेहता जी जिस तरह से यहाँ पे शॉर्ट पिच गेंद थी और इस गेंद वाला जो पारा है वो चढ़ता जा रहा है। और इसी बीच ये बॉल मलिंगा की बॉल और मलिंगा स्टार गेंदबाजी और क्या खूबसूरत शॉट। जैसा आपने कहा था कि आदित्य ही है वो शख्स, वो बड़ी दीवार, वो बड़ी विकेट, वो बड़ा खिलाड़ी, वो बड़ा भाई बाप, उनको बल्लेबाजी कर दिया होगा। इसी बीच मलिंगा चले, मलिंगा एक्शन, फिर से लेमन कट लग गया और बहुत जारी उनके बल्ले से कट होती हुई सीधी अंपायर के निर्णय का इंतजार करूंगा। चार रन वेलकम बाउंड्री, समय चलता हुआ और जबकि 13 या 14 का रन से चाहिए थे। और इस बीच यहाँ पे गेंद को खेला गया जा रही है, उधर देखने सीधा रखे छह रन, बहुत ही जबरदस्त शॉट है। और जो हम और एक सुई और कांटे का मैच देखने को मिले और इसी बीच अंपायर को पार किया और एक ऑफिसर लिख कर दिया, मेरे समझ से ये भी बहुत जा रही है चार रनों के लिए। और अंपायर के इशारे का इंतजार करूंगा, चार रन वेलकम बाउंड्री। और अब एक बार फिर से अखिल सॉरी गेंद राजू द्वारा शुरू किया, वहां पर आदित्य और वहां पर गेंद खेला आपकी बात को उन्होंने अंजाम भी दिया और सुना और गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचा दिया छह रन के लिए। दोनों जो है बड़े बड़े शॉट्स भी ले रहे हैं और दोनों अपने आप को अच्छे से पोजीशन भी कर रहे हैं। अब कहीं ना कहीं खेल का जो थिंक टैंक है वो सोचना होगा, विचारना होगा कैसे इन दोनों में से किसी एक की रुखसति की जाए, क्योंकि अगर ये दो या तीन ओवर और रह जाते हैं तो निश्चित रूप से ये 80% मैच एक तरफ कर देंगे, ये बातें लग रही है। और इसी बीच निखिल भी तैयार, प्रदीप जी बिल्कुल बिल्कुल मेहता जी, और यहाँ पर लाइव दर्शकों की संख्या भी बढ़ती जा रही है और जहाँ तक हम थोड़ा सा दर्शकों की तरफ भी ध्यान अपना ले सकते हैं और सभी दर्शक यहाँ पर अपने अपने कहीं ना कहीं थोड़ी सी टर्न है और बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं। और इसी बीच है पिकी गेंद और बाबू भाई, बाबू जी मेरी बात आप तक पहुंची होगी, ये भाई भी आपका ही भाई है, मैच धीरे धीरे खिसकता हुआ, बहुत ही बढ़िया चक्का, क्या कहेंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल मेहता जी, यहाँ पर बैक टू बैक बाउंड्री जाती है और बहुत ही ताबड़तोड़ किस्म की बल्लेबाजी शुरू वहां पर आदित्य द्वारा, और आदित्य एक ऐसे बल्लेबाज दिख रहे थे यहाँ से कि जो पूरी कहानी है, दोनों खिलाड़ी दिख रहे हैं हैप्पी। ये गेंद स्लो बॉल पांड्या, मुझे लगता है कि शायद आउट भी हो सकते हैं, क्या चटक अनिल ने उस कैच उस बॉल पर नजर बनाए रखी और बहुत बड़ी विकेट है। और जी जिस तरह का शॉट खेलना चाहिए था यहाँ पे अखिल को, उस तरह का शॉट नहीं खेल पाए और लॉन्ग बॉल की तरफ खेला, जबकि वो मिड विकेट के ऊपर से इसलिए इस गेंद को बाहर छह रन के लिए पहुंचा सकते थे, लेकिन वहां पर अखिल थोड़ा सा गति में भी थोड़ा सा परिवर्तन था, वो शॉर्ट पिच जो गेंद थी वो थोड़ी सी धीमी गति के साथ आई थी और वहां पर बल्ला थोड़ा पहले चला और एक आसान सा कैच थमा बैठे वहां पर एक खिलाड़ी के हाथों में। स्कोर है अभी भी 58 रन और चार ओवर इस यहाँ से समाप्त हो चुके हैं। आगे बढ़े धीरे धीरे अंपायर को पार किया गेंद, का बाहरी किनारा लेकर सीधी बॉल चले गई ग्लव में और बहुत बड़ा विकेट चले गया, ये क्या कहेंगे प्रदीप जी। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर बहुत बड़ा विकेट मिलता हुआ इस समय गेंदबाज को और थोड़ी सी जो यहाँ से रोमांच पैदा हो रहा था और एक तरह से अच्छा मैच मतलब फिर से अपने पॉलीमार्ट पे जाते वाले। और सामने है बल्लेबाज जितेंद्र,
दोनों सिर्फ अंपायर को पाके वहां पर बहुत अच्छी गेंद और वहां पर बंगाल की अपील हो रही है, लेकिन जरूर मैच में रौनक आएगी। और इसी बीच अनिल चले अंपायर को पार किया और इस गेंद का तो कोई वादी नहीं है क्योंकि ये बॉल सिर्रा बॉल है और ये बिल्कुल लिंगा स्टाइल बॉल है, लिंगा स्टाइल पे उनका एक्शन है। एक है जीत के लिए बनाने वहां पे 46 रन, 41 रन और उसमें क्या पता तो खिलाड़ी गेंद जा रही है, खिलाड़ी का तो मेरा आउट और सकता है और इसी बीच चले विशेष अंपायर को पार किया सनू, सनू का ये बल्ला और हमें एक बल ये लगा था कि बॉल जो है ऊपर स्क्वेयर लेग की तरफ जा रही है, मगर फिर भी सोनू का ये शॉट निकलता हुआ दमदना और धार बढ़ जाएगी। और इसी बीच सोनू का फिर से तैयार विकेश चले धीरे धीरे पार और ये बॉल निकल गई से भी जा रही है जिलेबी की तरफ, जिलेबी भाई जिलेबी सील कर दी गई और एक बार फिर से चले अंपायर को पार किया गया, शोर बना लगता है मुझे शोर में लीड कर दिया बॉल जा रही है की तरफ और देखना चाहेंगे बॉल चले गई है 6 रनों के लिए जो बाउंड्री से इशारा आ रहा है अभी तक पता नहीं चला है। थर्ड अंपायर अपनी टीम के लिए एक बहुत बड़ा चक्कर लगाने के इस वक्त, इसी बीच अंपायर को पार किया चले गई है 6 रनों के लिए और ये मैच फिर से एक नया बॉल क्या लिखा हुआ इसमें विकेट हो गए 6 होगा होगा क्या और विकेश अंपायर को पार किया और माता जी उसी की बजती हुई वहां पे बहुत ही जबरदस्त शॉट है गेंद से मारने के बाद 6 रन के लिए और एक 5 गेंद 16 रन विकेश को थोड़ा सा टेंशन तो हो गया भाई और विकेश निश्चित रूप से दबाव महसूस करेंगे। इसे बीच ये बल्लेबाज ये गेंद गंदी गेंद और इसी बीच बाउंड्री की तरफ 4 रन अब 4 गेंदे हैं और 16-12 रन है, बहुत ही आकर्षक मैच और सीढ़ियों देखिए बनता है रखे ये गेंद विकेश की गंदी गेंद मुझे लगता है वाइट बॉल होगी शायद, निश्चित रूप से वाइट बॉल है और अब 11 रन चाहिए, ये 3 गेंदे हैं और 11 रन बहुत टेंशन में आ गई है टीम और इसी बीच विकेश चले धीरे धीरे अंपायर को पार किया ये गेंद मगर 1 रन भी मिल गया और रिसीवर ने बात को स्ट्राइक मिल गया इस वक्त जो कुछ भी कर सकता है दो या विकेट है होने वाला तो कुछ ऐसा ही है और इस बीच विकेश धीरे धीरे आगे बढ़े और बहुत ही प्रेशर फील कर रहे थे और थोड़ा सा रिलीज प्रेशर और वाइड बॉल है ये शायद और इस तरह से एक बॉल 9 रन अभी भी कुछ भी हो सकता है, ये क्रिकेट है भाई और इसी बीच बहुत ही बढ़िया मैच चलता है विकेश को पार विकेश ने ये बॉल किया और इसी बीच कनेक्शन थोड़ा सा डूबा और मैच समाप्त हुआ, जबरदस्त मैच समाप्त हुआ आप सभी के मध्य में।